नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के पोस्टमार्टम हाउस से। किस तरह से देख सकते हैं, एक पुलिस वाले का जो शव है वो नहर में से मिलता है, जिसके बाद आप देख सकते हैं तमाम पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच जाती है। बताया जा रहा है कि शरीर पर काफ़ी गोलियां लगी हुई हैं, इस तरह से जो जानकारी है प्राथमिक तौर पर पता लग रही है, जिसके चलते हुए देख सकते हैं तमाम जो परिवार व जो भी पुलिस की टीमें हैं वो ज़रूर यहाँ पर पहुँची हुई आपको नज़र आ रही होंगी, जिसकी तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। DSP नायब सिंह जो हैं वो भी मौके पर पहुँच जाते हैं, और फिलहाल पानीपत से पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच जाती हैं, फैसल की टीमें मौके पर हैं, SHO सदर मौके पर हैं, जिसकी तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास जो है वो करनाल के शव गृह से किया जा रहा है। हालांकि पूरी जानकारी लेने का भी प्रयास किया जाएगा आखिरकार क्या कुछ पूरा मामला है। आप देख सकते हैं अभी कुछ ही समय पहले एक नहर से जो है शव मिलता है, जिसके बाद पुलिस की टीमें मौके पर पहुँचती हैं, और उसके बाद जो तस्वीरें हैं वो आसपास के जितने भी थाने हैं वहाँ पर भेजी जाती है, ताकि इसकी जल्द से जल्द पहचान कराई जा सके। अगर कोई गुमशुदगी का मामला दर्ज है तो तब भी इसका पता लगाया जा सके, जिसके बाद इसकी पहचान हो जाती है। आखिरकार पहचान जो होती है वो एक पुलिसकर्मी ASI के रूप में पहचान होती है। ASI ऋषि नाम बताया जा रहा है, जो पानीपत में 13-17 में तैनात था। हालांकि कल वह किसी के साथ जाता है, जिसके बाद वह आज थाने नहीं पहुंचता था। थाने से जब उसे ढूंढने का प्रयास किया जाता है तो उसका फ़ोन बंद जाता है, जिसके बाद लगातार ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। तो आज शनाख्त जो है वो नहर पर जब वह मिलता है शव, उसको देखकर पहचान की गई, जिसकी तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करनाल से शव गृह से किया जा रहा है। आखिरकार क्या कुछ पूरा मामला, DSP से भी जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि परिवार के सदस्य ज़रूर यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और तमाम पुलिस की टीमें चाहे DSP पानीपत हो वो भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। जो FSL की टीमें हैं वो भी यहाँ पर पहुँची थी, और DSP करनाल जो नायब सिंह है वो भी मौके पर पहुँच कर जाँच करते हुए नज़र आ रहे हैं। आखिरकार क्या कुछ पूरा मामला है, हालाँकि बताया ये भी जा रहा है कि गोली के निशान है शरीर पर। आखिरकार क्या कुछ पूरा मामला है, आखिरकार ASI ऋषि के साथ ऐसा क्या कुछ हुआ, वो जाँच का विषय है, वो जाँच पुलिस करेगी। फिलहाल उन आदमी की बॉडी बरामद हुई है, जिसको हमने नहर से निकाला है और पोस्टमार्टम के लिए जो है पानीपत पुलिस के अधिकारी पहुंच गए। देखो अभी अभी हमने सूचना दे रखी है भाई, किसकी बॉडी है, शनाख्त होने के बाद जो भी है कार्रवाई। सात गोलियां लगी हुई हैं सर, अभी पोस्टमार्टम में पता लगेगा क्या। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, जैसे परिवार के लोग वह पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंच जाती हैं, SHO को लगा दिया जाता है, पानीपत SHO की टीमें मौके वारदात पर पहुंचती हैं, FSL की टीमें मौके पर पहुंचती हैं। आखिरकार क्या कुछ पूरा मामला था, ये जांच जो है वो पुलिस कर रही है। फिलहाल DSP जो पानीपत हैं वो भी मौके पर पहुँचे हुए हैं। फिलहाल मर्चरी हाउस में हम इस समय मौजूद हैं, और यहाँ पर तमाम पुलिस की टीमें पहुँची हुई हैं, और फिलहाल शव को जो है शव गृह में रखवा दिया गया है। जो शव नहर से मिलता है उसकी पहचान जो है वो ASI ऋषि के नाम से हुई है, जो 13-17 में तैनात थे, और फिलहाल आज जो ड्यूटी पर नहीं पहुंचते तो उन्हें फ़ोन किया जाता है। फ़ोन करने के बाद जब फ़ोन नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं शक की घड़ियां जो हैं वो घूमने लगती हैं, उन्हें ढूंढने का प्रयास किया जाता है पर कहीं भी पता नहीं लगता। उसके बाद जो है पुलिस द्वारा एक गुमशुदगी का मामला जो है वो दर्ज कर दिया जाता है, जिसके बाद आज शाम को करनाल के बुडनपुर गांव के पास नहर में जो है एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलता है, जिसके बाद शव को पुलिस की टीमें मौके पर पहुँचती हैं, उसे बाहर निकलवाया जाता है, और बाहर निकलवाने के बाद जब उसकी तस्वीर को लगते जो ज़िले की थाने हैं वहाँ पर भेजी जाती है, तो वहां पर पता लगता है कि ये ASI ऋषि हैं जो आज थाने में नहीं पहुंचे थे और नहर से बरामद होते हैं। हालांकि पुलिस इस पर अभी पूरा बोलने को तैयार नहीं है, हालांकि हमने पूछने का भी प्रयास किया पर अभी बोलने को तैयार नहीं है। आपको सुबह भी पूरे इस मामले की अपडेट जरूर देंगे। फिलहाल इस समय मैं मौजूद हूँ करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मर्चरी हाउस में, जहाँ पर SHO और DSP करनाल जो हैं वो सदर के वो भी पहुँचे हुए हैं, और ट्रैफिक के DSP हैं नायब सिंह वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बातचीत करने का प्रयास जरूर किया गया था पर अभी बोलने को तैयार नहीं थे। फिलहाल जो हमें जानकारी मिली उस जानकारी के मुताबिक आपको ये अपडेट दी जा रही है। आप सभी से निवेदन है इस वीडियो को शेयर करें। आखिरकार पुलिस जांच जरूर कर रही है, जल्द से जल्द पता लगाया जा सकेगा आखिरकार किसने ऐसा जो ASI ऋषि है उनके साथ किया।